कपूर खानदान में जल्द एक नए मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर की बुआ रीमा जैन के बेटे अरमान जैन और उनकी वाइफ अनीसा मल्होत्रा पेरेंट्स बनने वाले हैं। अनीसा की प्रेगनेंसी से पूरा कपूर खानदान काफी एक्साइटेड है। हाल ही में अरमान और अनीसा के परिवार वालों ने होने वाले माता पिता और उनके बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए गोद भराई समारोह आयोजित किया और इस दौरान पूरा कपूर परिवार साथ में नजर आया। अनीसा मल्होत्रा की गोद भराई में कपूर खानदान के साथ साथ उनके परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए। इस दौरान मॉम टू बी अनीसा मल्होत्रा डायमंड ज्वेलरी के साथ सिल्वर एम्ब्लिश्ड ब्लू साड़ी पहने हुए स्टनिंग लग रही थी। होने वाले मम्मी पापा गुलाब की माला पहने हुए और माथे पर तिलक लगाए हुए नजर आए। करीना कपूर ने अपनी भाभी के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है और लिखा है होने वाली गॉर्जियस माँ के साथ। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर सहानी ने भी होने वाले माता पिता की एक तस्वीर पोस्ट की है और उन्हें बधाई दी है। हालांकि रिद्धिमा इस बेबी शॉवर में शामिल नहीं हो पाई। अनीसा की गोद भराई सेरेमनी में नीतू कपूर, आलिया भट्ट, टीना अंबानी, नव्या नवेली नंदा सहित और भी कई लोग नजर आ रहे हैं। अनीसा अरमान को आशीर्वाद देने के लिए इस दौरान रणधीर कपूर भी मौजूद थे, तो वही अरमान जैन के भाई आदर जैन और आकांक्षा मल्होत्रा भी इस दौरान नजर आए। होने वाले मम्मी पापा ने इस दौरान केक भी कट किया और अपने परिवार के साथ इस खास मौके को खूब एंजॉय किया। दोस्तों आपको बता दें, अरमान जैन भी बॉलीवुड मूवीज में नजर आ चुके हैं, हालांकि वो रणवीर, करिश्मा, करीना की तरह उतना नाम नहीं कमा पाए। अरमान जैन करिश्मा और करीना की बुआ रीमा जैन और मनोज जैन के बेटे हैं। अरमान ने गोवा में अपनी ड्रीम गर्ल अनीसा मल्होत्रा को प्रपोज किया था और उसके बाद 3 फरवरी 2020 को एक ग्रैंड वेडिंग की थी। कपल की शादी में कई सारे सेलिब्रिटीज भी नजर आए थे। अरमान और अनीसा काफी क्यूट कपल्स में से एक माने जाते हैं। दोनों को सिद्धार्थ क्यारा के वेडिंग रिसेप्शन में भी स्पॉट किया गया था। वो सिद्धार्थ और क्यारा की शादी अटेंड करने के लिए राजस्थान भी पहुंचे थे। तो दोस्तों आपको अनीसा की बेबी शॉवर की तस्वीरें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।